दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों 5 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी चिरंजीवी सर और सलमान खान की फिल्म गॉडफादर, और इस फिल्म ने सिनेमाघरों में खूब तूफान मचा रखा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज भी फिल्म की कमाई देखकर हैरान है। तो दोस्तों आज गॉडफादर को सिनेमाघरों में छठवां दिन चल रहा है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म के पूरे 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चिरंजीवी सर और सलमान खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म गॉडफादर की तो मोहन राजा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का था। फिल्म को तेलुगु और हिंदी दो भाषाओं में रिलीज किया गया था, और जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो ऑडियंस को ये फिल्म खूब पसंद आई। फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर ही 20 करोड़ रुपए का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपने फर्स्ट डे का लगभग 38 करोड़ रुपए का रहा था। वहीं दूसरे दिन थर्सडे को फिल्म ने इंडिया से 12 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, तो वहीं तीसरे दिन फ्राइडे को फिल्म ने लगभग 9 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं चौथे दिन सैटरडे को फिल्म ने लगभग 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए, तो वहीं पांचवें दिन संडे का कलेक्शन रहा लगभग 9 करोड़ रुपए का। फिर उसके बाद छठवें दिन यानी कि आज फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 17% की है, तो आज अपने छठवें दिन फिल्म कलेक्शन करने वाली है लगभग 4 करोड़ रुपए का। और फिल्म का अपने पहले 6 दिनों का जो इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 65 करोड़ रुपए के पास चला जाएगा, और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है वो लगभग 120 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर चुका है। और दोस्तों वैसे फिल्म का जो बजट है वो लगभग 100 करोड़ रुपए का था, तो फिल्म अभी तो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट चल रही है। लेकिन आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।